सुबह की खबर आपको पता चले कि सहारनपुर से आ रही है। बाबरी मस्जिद श्री राम जन्मभूमि विवाद का फैसला आने के बाद ही अब इस फैसले में रिव्यू पटिशन को लेकर मुस्लिम संगठनों में दो गुट बनाते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको बताया चले कि एक गुट रिव्यू पटिशन दाखिल करने की बात कर रहा है। कुछ मुस्लिम संगठन रिव्यू पटिशन में नहीं जाना चाहते हैं। इस मामले को लेकर देवबंदी उलेमा ने दो टूटा कहा है, जिसको लेकर कुछ लोगों ने अपने द्वारा ही अपना नाम चमकाने के लिए ही इसमें गलत शिकायतें कर रहे हैं, जिसका मजाब और कोमा से कोई वास्ता नहीं रह गया है। आइए सुनते हैं इनका एक बार वार्तालाप। अरे जी चाहे जाए, जी चाहे न जाए, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने तो पहले ही अपने आप को विड्रा कर लिया था और अपने मुकदमे को आयन वक्त के ऊपर जब फैसला आने वाला था वो पीछे हट गए थे। अब अगर वो रिव्यू नहीं आना चाहते तो वो जा ही नहीं सकते हैं, जब पहले ही मुकदमे जा गए थे तो अब दोबारा रिव्यू के अंदर जाने का उनको क्या हक बाकी रहना है। हम लोग तो जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने खुद ये बात कही है, मशवरा दिया है कि अगर मुझे इसके ऊपर इश्काल है तो जाया जा सकता है, हमें उसके ऊपर इश्काल है। जब मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ कर नहीं बनाई गई है और उस मस्जिद में मूर्ति रखना एक जुर्म था, मुजरिम है वो लोग, उसको शहीद करना मुजरिम है, तो ये तीनों चीज़ें तो ये बता रही हैं कि वो मुसलमानों का हक है। या तो आप ये कह देते कि इस मस्जिद को मंदिर तोड़ कर बनाया जाए तो हमारे लिए रिलीजन के अंदर जाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन हम तो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि ये फैसला हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि इस पर दोबारा गौर कर लिया जाए कत नज़र इसकी कि वो इसको कबूल करते हैं नहीं कबूल करते हैं, ये उनका काम है। चूँकि ये कोई हमारी नाक का मसला नहीं है, बल्कि ये मसला तो खालिस एक मजहबी मसला है कि मस्जिद जो वक्फ़ अल्लाह की, क्या हमें उस मस्जिद के लिए कानूनी और शरई तरीक़े पर यह हक है कि हम आखिरी मंजिल तक जाएं उसकी हिफाजत के लिए या नहीं हक है। हम ये समझते हैं कि ये हमारा हक है, ख़ास तरीक़े पर इस फैसले के बाद कि वो मस्जिद अपनी जगह के ऊपर बनाई गई है और वो किसी मस्जिद मंदिर को तोड़ कर नहीं बनाई गई है। हमारा ये मजहबी फ़र्ज है कि हम जाएं, बाकी फैसला जो कुछ भी होगा हमें उसको इनकार नहीं कर रहे हैं, हम तो उसका इंतजाम नहीं कर रहे हैं। तो आपकी तैयारी क्या हो चुकी है पूरी, कितनी तैयारियाँ हो चुकी? हमारी तैयारी जो हमारे वकील थे ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल साहब, वो और जो हमारे सीनियर वकील हैं राजीव धवन, ये दोनों मिलकर के उसकी तैयारी कर रहे हैं और वो तैयारी तकरीबन हो चुकी है आने वाले दो चार दिन के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के